हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर है फिर से स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी के कंटेंट में प्लैगरिज्म को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो चैट जीपीटी हमें कंटेंट प्रोवाइड करता है उसमें प्लैगरिज्म होता है कि नहीं, और उसके बाद अगर हमें डिटेक्ट होता है कि इसमें प्लैगरिज्म है तो उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगी। कई यूज़र क्या करते हैं कि ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए चैट जीपीटी में आते हैं, अपने ब्लॉग का जो टाइटल देते हैं और जो भी कंटेंट होता है सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट में, और उनको कॉपीराइट का इशू आ जाता है या फिर उनकी जो वेबसाइट है वो डाउन चली जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि गूगल जो एडसेंस होता है उसमें एड लिमिट लग जाती है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है तो आप जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी सेम आपने फॉलो करने हैं और जो अपने कंटेंट में प्लैगरिज्म को रिमूव कर लेना है। सबसे पहले तो हम जो चैट जीपीटी का कंटेंट है उसे कॉपी करेंगे और चेक करेंगे कि इसे जो एआई कंटेंट डिटेक्टर है कितना डिटेक्ट कर पाता है कि जो एआई से राइट है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एआई कंटेंट डिटेक्टर में, और जहाँ जाकर हम अपने जो कंटेंट को पेस्ट कर देंगे और चेक बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम टेक्स्ट पर हावर करते हैं जो हमारा 99.6% जो कंटेंट है वो एआई इसने डिटेक्ट कर लिया है कि एआई के थ्रू राइट किया गया है। तो इसी कंटेंट को हमने कॉपी करना है और स्पिनर में आ जाना है। ठीक है, ये फ्री स्पिनर टूल है जहाँ जाकर हमें अपने जो कंटेंट है उसे पेस्ट कर देना है और बेसिक पैराग्राफ पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो भी हमारा कंटेंट है इसने उसे रीराइट कर दिया। ठीक है, इसी कंटेंट को हमने क्या करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हम इसे फिर से चेक करेंगे कि ये कितना डिटेक्ट कर पाता है कि एआई के थ्रू राइट है या एक ह्यूमन के द्वारा। तो जहाँ हम अपने जो कंटेंट है उसे पेस्ट कर देंगे, सबसे पहले हमें इसे क्लियर करना है, उसके बाद जो हमने कंटेंट कॉपी किया उसे पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम चेक बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा जितना भी कंटेंट है वो 99% प्रोबेबिलिटी फॉर ह्यूमन के ह्यूमन द्वारा लिखा गया है। तो आप इस मेथड के थ्रू जो अपना कंटेंट है उसमें प्लैगरिज्म को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या आना है, app.wordtune.com वेबसाइट पर, और जो आपने कंटेंट कॉपी किया उसे यहाँ आकर पेस्ट कर देना है। जितना भी कंटेंट है आपने उसे रीराइट कर देना है। सबसे पहले सिंपली आपने उसे सिलेक्ट करना है और जहाँ रीराइट पर आकर आपने क्लिक करना है, और आप देखेंगे जो आपका पैराग्राफ है वो रीराइट हो गया, और जहाँ आपने इसे क्लिक कर देना है जे आपके जो भी आपके पैराग्राफ में स्पेलिंग मिस्टेक है उसे भी रिमूव कर देगा। तो ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ आकर आपने जो स्पेलिंग मिस्टेक है अपने कंटेंट को रीराइट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मेथड के थ्रू हम अपने एआई जो कंटेंट है उसे ह्यूमन कंटेंट बना देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की अजमाइश तो जुए में होती है।